वेलकम फॉर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? फ्रेंड्स, जब मैंने पहले दिन के कलेक्शंस देखे धाकड़ के, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इस फिल्म के कलेक्शंस सैटरडे संडे को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि गाइस वैसे ही मंडे से ये फिल्म सब जगह से निकल जाएगी। लेकिन गाइस अलग अलग कमेंट्स आने लग गए कि तुम सिर्फ भूलभुलैया 2 के बारे में बता रहे हो, धाकड़ जो इतनी बड़ी हिट है, इतनी अच्छी फिल्म है, तुमने उसका रिव्यू भी खराब दिया, उसके बाद तुम उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी नहीं बना रहे हो, इतना अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आ रहे हैं फिल्म के, यू आर बीइंग रियली बायस्ड। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो जितनी खुजली है लोगों के हाथों में, उन सब की खुजली थोड़ी मिटा देता हूँ ये एपिसोड बना के, एंड ये मेरा लास्ट एपिसोड होगा। क्योंकि गाइस यहाँ सबसे पहली बात तो, जब तक तो प्रोड्यूसर कलेक्शन नहीं देता, मैं वीडियोस नहीं बनाता बड़ी बड़ी पिक्चरों के। बच्चन पांडे के मैंने 3 दिन के बाद बंद कर दिए थे, जबकि मैं उसके बना सकता था। अटैक, उसके बाद सत्य में जयते, उसके बाद हीरोपंती, रनवे, उसके बाद जर्सी, अरे भैया आप तो नाम भी याद नहीं रहते, इतनी फिल्में हो चुकी हैं। तो गाइज ये भी उन्हीं फिल्मों में से है, एंड दीज आर नॉट बैड कलेक्शंस, दीज आर डिजास्ट्रस कलेक्शंस। सिर्फ डिजास्ट्रस ही नहीं, ये बॉक्स ऑफिस कमर तोड़ कलेक्शंस है। इतना गंदी कलेक्शन है ये पिक्चर की ना, कि मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे हैं। पहले दिन एटलीस्ट मैंने इज्जत में प्रेडिक्ट करके गया था कि फिल्म कहीं ना कहीं 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ कमाएगी। कंगना रनौत की धाकड़ ने पहले दिन सिर्फ 50 लाख रुपए कमाई की है, और दूसरे दिन इस फिल्म ने और सिर्फ 50 से लेकर 52 लाख की कमाई की है। आज संडे को भी ये फिल्म कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 55 to 60 लाख रुपीस कमाने वाली है। अब शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली कितनी बड़ी डिजास्टर ये फिल्म है। देखिए गाइस, शुरुआत करेंगे मुंबई से। मुंबई में फ्राइडे ये फिल्म के पास 344 शोज थे। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा, पहले दिन अगर 500 शोज लेकर मैदान में उतरते हो एंड अगर फिल्म खराब निकलती है, देन गाइस सैटरडे से ही शोज कम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत बुद्धिजीवी है, महान व्यक्तियां हैं, हस्तियां हैं, जिनको लगता है कि भाई जितने शोज जुम्मा को मिले उतने संडे को भी मिलेंगे। नहीं, पहला शो खराब निकला, शाम से ही थिएटर वाला जो है शोज कम करना शुरू कर देता है। वो हुआ धाकड़ के साथ, एंड आज धाकड़ की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 8% की थी। दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो गाइस, दिल्ली एनसीआर पहले दिन 378 शोज लेके उतरा था, एंड आज सिर्फ 257 शोज है। पुणे की बात करते हैं, पहले दिन 130 शोज थे, आज 71, यानी कि धाकड़ को कंप्लीट तरीके से सिनेमा घरों से निकालने की पूरी तैयारी कर दी गई है। क्योंकि गाइस शोज ही कैंसिल हो रहे हैं। एक और बात बोलना चाहता हूँ, पहले दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत लोगों को मजाक लग रहा था कि मैंने 3 शोज कैंसिल हो गए थे, बहुत लोगों को लग रहा था जबरदस्ती कर रहा हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ गाइस, मैं सुबह 8 बजे जाकर फिल्में देखता हूँ, फिल्में देखना मेरा पैशन है, फिल्मों को लेकर ये सब चीजें मेरे से नहीं होती। समझ में आया, शो कैंसिल है तो है, सीधी बात है, कोई दो राय नहीं छुपाने की। अगली बार काउंटर वाले का वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। बात करूंगा इस यहाँ पर अब अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में यहाँ पर पहले दिन इसको 178 शोज मिले थे एंड आज 89, यानी कि मैसिव 50% रिडक्शन। बात करूंगा इस यहाँ पे हैदराबाद की, तो हैदराबाद में गाइस पहले दिन 136 शोज थे, आज 108 शोज है। बैंगलोर की बात करूं, पहले दिन 140 शोज थे, आज 94 है, यानी कि धाकड़ इज अ वॉशआउट। 2200 जो स्क्रीन मिले थे उसको ऑलमोस्ट 50% चॉप ऑफ कर दिया है, एंड आज ये फिल्म के पास लगभग सिर्फ 1000 स्क्रीन है। एंड ये फिल्म का जो 3 दिनों का कलेक्शन होने वाला है वो कहीं ना कहीं 1.60 से लेके 1.70 करोड़ होगा, यानी कि धाकड़ के जितने पोस्टर लगे हैं ना मुंबई में, जूहू, वर्सोवा, अंधेरी, सिनेमा घर के बाहर कटआउट स्टैंडीज, उसका पैसे का कलेक्शन भी नहीं रिकवर कर पाएगी धाकड़। इतनी बड़ी डिजास्टर हुई है फिल्म। एंड गाइस बात करूं आज की ऑक्यूपेंसीज की, तो मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी थी वो 6% की थी, आफ्टरनून की 7%, शाम होते होते 11, एंड गाइस अभी रात के शोज 13% पे चल रहे हैं। ऑक्यूपेंसी सच एज बेंगलुरु 5%, चेन्नई 3%, सूरत 6%, जयपुर 11%, चंडीगढ़ 9, भोपाल 5%, दीज आर डिसमल नंबर्स। कंगना रनौत एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन वॉकिंग। कंगना रनौत हेडलाइंस में क्यों रहती है? उनके स्टेटमेंट्स की वजह से रहती है, दूसरे स्टार्स को स्पेशली इंडस्ट्री को ट्रोल करते हुए दिखाई देती है। हाँ, कपिल शर्मा के शो पर गए तो वहां जाकर अनन्या पांडे को चिढ़ा रहे जाकर, अरे 35 साल आपकी उम्र है, वो बच्ची 23 ईयर्स की है, उसको चिढ़ाने का काम मीमर्स, ट्रोलर्स एंड यूट्यूबर्स पे छोड़ दो ना, आपको अच्छा लगता है क्या? शोभा देता है अनन्या पांडे की, अनन्या पांडे जाके कपिल जैसे शो पे जाके बेइज्जत करने के लिए।
गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होती है तो आप बोलते हो 100 करोड़ बर्बाद कर दिया प्रोड्यूसर ने, वो पिक्चर 130 करोड़ रुपए कमा रही है। हाँ, आप कृपया करके अपने एक्टिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी फिल्मों पे ध्यान दीजिए। यू आर अ टेरिफिक एक्ट्रेस, आई मीन द ओनली एक्ट्रेस हु कैन गिव बैंग ऑन नंबर्स। आई मीन कौन सी एक्ट्रेस है इंडिविजुअल सोलो फिल्मों में, स्टिल रिमेम्बर क्वीन, मैसिव गाइज, क्वीन गेव अ कलेक्शन ऑफ 61 करोड़ रुपीज, इतना ही नहीं तन्नू वर्ड्स मन्नू 150.8 करोड़। कौन सी सोलो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया है, किसी फिल्म ने नहीं किया है। कंगना रनौत बॉक्स ऑफिस पुल एक टाइम पर पागल जैसा था, इतना दूर क्यों जा रहे हो। मनी कर्णिका ने 93 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो आपके पास टैलेंट है, यू हैव द बॉक्स ऑफिस एबिलिटी, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। पता है इससे क्या होता है, आपका पब्लिक में इमेज खराब होता है, बहुत लोगों को खुन्नस पैदा होती है आपके वजह से। हाँ, जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलिए, लोगों का मजाक उड़ाना, उनके बारे में यू नो टिप्पणियां करना, दूसरों को नीचा दिखाना, यू आर एन एक्ट्रेस, यू आप आइए एक्ट कीजिए, चले जाइए। इतनी एक जमाने में कंगना रनौत लाइवली हैप्पी गो लकी गर्ल हुआ करती थी, आई रिमेंबर शी यूज्ड टू डू लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म्स लाइक यू नो रास्कल्स एंड नो प्रॉब्लम, कितनी अच्छी एक्टिंग करके आती थी उसमें। पता नहीं क्या हो गया कंगना रनौत को, कंप्लीट ड्रास्टिक चेंज आ गया है। ऑल्सो डन गाइस, कंगना रनौत की लास्ट जो फिल्म है वही बॉक्स ऑफिस पे खासा कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं दी। रिवॉल्वर रानी फ्लॉप हुई, उंगली फ्लॉप हुई, तन्नू मन्नू हिट हुई बीच में, उसके बाद आई लव न्यूयॉर्क, कट्टी बट्टी, उसके बाद रंगून, सिमरन, सारी की सारी फ्लॉप हुई। मणिकर्णिका बॉक्स ऑफिस पे सर्वाइव कर पाई, जजमेंटल क्या है, फ्लॉप। पंगा फ्लॉप, थलाइवी फ्लॉप, एंड धाकड़ इज नॉट अ फ्लॉप, धाकड़ इज एन ऑल टाइम डिजास्टर। ओके गाइस, तो हो भाई एपिसोड पसंद तो नहीं आया होगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था गाइस कि मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन फिल्में जब नई कलेक्शन करती है, प्रोड्यूसर कलेक्शन नहीं भेजता, तो वीडियो नहीं बनाता हूँ। ऑल द बेस्ट टू कंगना रनौत फॉर अ फ्यूचर फिल्म्स। आशा करते हैं आने वाले समय में आप कृपया करके अपनी फिल्मों पर ध्यान दीजिए, आपकी फिल्मों पर काम कीजिए। यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।